बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बच्चे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक फॉर ओ लेवल्स। द वर्ड हाइड्रो स्टैंड फॉर, जिसके नाम में आपको आंसर मिलेगा, हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हों, नो अदर देन दिस, ओनली टू एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वी डिफाइन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that contain only carbon and hydrogen. तो they contain only two elements, carbon and hydrogen. तो बच्चे इसकी दो टाइप्स हमारे सिलेबस में ऐड हैं, नंबर वन alkanes एंड नंबर टू alkenes, that आर इंक्लूडिंग इन आवर सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स केमिस्ट्री। तो alkanes हैविंग जनरल फार्मूला, बच्चे आपको याद करना होगा alkanes का, इनकी पहचान सिंगल बॉन्ड होती है। जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2, एंड फॉर अल्कीन इनके बच्चे पहचान डबल बॉन्ड है, एंड द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n। यहाँ बच्चे n शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर आप n शोज नंबर ऑफ कार्बन्स, ये बच्चे आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स। अगर बच्चे यहाँ मैं एन को अल्केन्स में एन को वन पुट करता हूँ, तो योर मॉलिकुलर फार्मूला फॉर अल्केन इज, आप बच्चे यहाँ वन पुट करोगे सी वन हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे वन तो टू इंटू वन टू, टू प्लस टू फोर। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH4। बच्चे अगर आप यहाँ पे एन को टू पुट करते हो, हेयर टू पुट करें आप, तो योर आंसर इज C2H2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6। तो ये बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल आइडियाज़ हैं, बेसिक थीम्स। आप जस्ट कार्बन के नंबर डालते जाओ एंड मेक एनी फार्मूला लाइक C3H8। सिमिलरली फॉर अल्कीन्स, अगर आप एन को पुट करते हो मिनिमम टू, बिकॉज डबल बॉन्ड के लिए दोनों साइड्स पे एक मिनिमम वन वन कार्बन होना लाजमी है, तो मिनिमम टू कार्बन शुड बी देयर। तो अच्छा, आप यहाँ टू पुट करोगे, योर फार्मूला C2H4 2 × 2 = 4। अगर आप यहाँ पे एन को थ्री पुट करते हो, then your formula C3H6. If you place 4 here, your formula C4H8. तब बच्चे आपको एक फार्मूला याद करना है, और आप इससे मैनी मैनी alkanes एंड alkenes कैन बी derived. तो बच्चे alkane इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल, दैट इज मीथेन, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज मीथेन, आल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस। तो बच्चे आपके नेचुरल गैस का फार्मूला मीथेन एज वेल, नेचुरल गैस एज वेल। सिमिलरली स्मॉलेस्ट अल्कीन इज C2H4, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ बिफोर डेफिनेशन वी डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अगर हम बात करते हैं फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बच्चे सिलेबस के अंदर ऐड हैं, अल्केन्स के लिए हम सिंगल बॉन्ड को यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट फंक्शनल ग्रुप, बट एब्रिवेशन फॉर अल्केन इज सिंगल बॉन्ड। फॉर अल्कीन्स द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कीन इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड नज़र आ जाए हाइड्रोकार्बन में, उनका नाम अल्कीन्स होगा। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल। बच्चे अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH नज़र आ जाए, OH के साथ कार्बन प्रेजेंट हो, देन दे आर नेम्ड एज अल्कोहल्स। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन विद डबल बॉन्ड O एंड OH। बच्चे कार्बन के हमें चार बॉन्ड पूरे करने होते हैं, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको COOH, दो O के साथ H आ जाए, मे राइट है COOH, दे आर नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड फॉर एस्टर्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कॉन्टेन COO एंड अगेन कार्बन, मे राइट एज COOC, दे आर नेम्ड एज एस्टर्स। तो अच्छा, आपको इनके साथ जनरल फार्मूला क्या करने हैं, तो आप पूरी ऑर्गेनिक जो आपके सिलेबस में, आप उसके आराम से एवरी मॉलिकुलर फार्मूला कैन बी ड्राइव। वी डिस्कस अबाउट ऑलरेडी अल्केन हैविंग फार्मूला CnH2n+2, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, देन फॉर अल्कीन, फॉर अल्कोहल्स CnH2n+1। ये सारे बच्चे अल्केन से ड्राइव किए जाते हैं। आप इसका एक H निकाल के OH प्लेस कर दो, द
this is the general formula for alcohols. These both have same general formula, CnH2n plus 1 or COOH. But here, आपको यहाँ पर n put करना पड़ता है from 0 to onward. Because carboxylic acid में 1 carbon present है, तो ये बच्चा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. That is n starting from esters and from carboxylic acid from 0 to onward. Now we take some examples to make molecular formulas of alcohols, carboxylic acid and esters. Now we take some examples for alcohol. बच्चे आपको उसका formula make करना है for 3 carbons. तो बच्चे आप यहाँ 3 put करोगे, you got C3. यहाँ 3 put करें n की जगह, तो 2 × 3 = 6, 6 + 1 = 7, C3H7NOH. तो we make any carbons, आप 1, 2, 3 जो put करें, you got the results. Here, for carbolic acid, they are asked, write the formula of carbolic acid having for 4 carbon atoms. For 4 carbon, we write the formula of carboxylic acid. तो अच्छे आपको n यहाँ पर 1 less put करना होगा, because 1 carbon should be there in carboxylic acid. तो आप put करोगे n equal to 3. 4 carbons के लिए आप n को 3 put करोगे in this formula. 5 के लिए 4 put करोगे, 2 के लिए 1 put करोगे और 1 carbon के लिए 0 put करोगे. Like you put here 3, you got C3H2N. Put here 3 as well, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, and COOH. Now count the carbon atoms. There are 4 carbon. Just count here, 3 carbons here, 1 carbon here. You got 4 carbons. For carbolic acid and ester, bache, aapko n ki value ko 1 less put karna hai for the given carbon. Matlab 4 ke liye aap n put karoge 3. 5 carbons ke carboxylic acid ke liye ya ester ke liye aap n ko put karoge 4. So 1 less than the given number of carbon atom jab aap n ki value put karoge. Now we discuss about homologous series. So jin organic compounds ka formula same ho, homo stand for same and logous stand for formulas. So jin organic compounds ka formula same ho, inke functional group same ho, inke chemical properties same ho, they are named as homologous series. So we define as the series of organic compounds that contain same chemical properties are called homologous series. Now the members of these homologous series have same functional group, same general formula. Matlab har homologous series ka ek general formula, like alkanes ka aapne padha CnH2n+2, isse matlab alkenes ka ek general formula, that whole series was named as homologous series. But inki bache physical properties mein gradual change aata hai, but gradual change in physical properties, like bache melting point, boiling point, jaise aapke carbon atom zyada honge, molecule large ho raha hoga, big ho raha hoga, to inke melting point mein, boiling point mein regularly aista aista change aa raha hoga. Now we take some examples to understand this concept. Like we discuss about alkanes. We know the formula, that is CnH2n+2. Agar aap bache n ko 1 put karoge, you got CH4. Agar aap n ko 2 put karte ho here, you got C2H6. Bache aap n ko 3 put karoge, your answer comes out to be C3H8. Aap n ki value badhte jayenge, to aapke formulas change ho rahe hain. But this is the homologous series for alkanes. Aap inke jitne carbon add kar lo, in saron ko combine naam dete hain homologous series alkanes. In sab ke chemical properties aapas mein same hai, in sab ka general formula same hai, but boiling point, melting point, viscosity mein gradual aista change aa rahi hai, because carbon atom zyada ho rahe hain, H atom zyada ho rahe hain, to molecule ke big hone se properties are changed. That is physical properties.